हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 81 शेड्यूल टू बी डन ऑन 6 फरवरी 2021 फॉर क्लास 10th एंड इट इज़ बेस्ड ऑन योर चैप्टर भोली, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इवन बेटा हम लोग वर्कशीट 1 अभी इसका एक फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और ये उसका सेकेंड पार्ट है। नाउ सी द पिक्चर्स, दी सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स समराइज द लेसन। देखिए सबसे पहले ये भोली है, किस तरह से ये साइड में बैठी हुई है, शैबी क्लोथ्स, किस तरह से वो उसको बहुत, ये बच्चा है नहीं कि घर का, देखो बेटा दूसरी बेटी है वो कितने अच्छे से तैयार है। और यहाँ भोली किस तरह से निगलेक्टेड और इग्नोर्ड चाइल्ड दिखाई दे रहा है। ये इसके पापा है नंबरदार रामलाल और इसकी मदर। गाँव में एक स्कूल खुलता है, जिस स्कूल के खुलने पर वहाँ पर जब तहसीलदार साहब आते हैं तो वो नंबरदार को बोलते हैं, रामलाल को बोलते हैं कि सब बच्चों को, अपने बच्चों को भी स्कूल में भेजें। तब भोली को रेडी करके यहाँ पर स्कूल में वो छोड़ने आ रहे हैं उसके फादर, और भोली यहाँ पर रो रही है, अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसको क्या लग रहा था कि जैसे उनकी गायें थी उसको छोड़ के आया गया था, इस तरह से उसे भी यहाँ से वहाँ छोड़ दिया जाएगा। और अपने वो सेम उसको एनालाइज, वो सिचुएशन को एनालाइज कर रही थी और अपने आप को उसकी जगह देख रही थी। इसके बाद जब वो बड़ी होती है, हाई स्कूल में जाती है, पढ़ाई कर लेती है, ये देखिए चुपचाप उसकी टीचर जो है वो देख रही है क्या हो रहा है। शादी करने के लिए जो भोली है उसकी शादी करने के लिए बिशंबर, ये बिशंबर है जो एक लेम ओल्ड मैन है जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं, ग्रोनअप चिल्ड्रन है। तो बेटा चिल्ड्रन यानी कि बच्चे जो हैं, सॉरी, वो जो आपके यहाँ पर वो फिर भी शादी कर रहा है और किस बेस पे, तब तक उसने भोली को देखा नहीं था। ये उसके फेस पे पोक मार्क दिखाने की कोशिश की गई है, तो पोक मार्क्स की वजह से उसको वो ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई देती थी। और जैसे ही उसने देखा कि पोक मार्क्स हैं भोली के फेस पे, तो उसने शादी करने से, गारलैंडिंग करने से, यानी कि जब वरमाला डालते हैं वो डालने से मना कर दिया था। उसके फादर ने किसी तरह से मना के अपनी पगड़ी को, अपनी टर्बन को, जब उन्होंने उसके पैरों में भी रख दिया, उसे समझाने की कोशिश की, तो उसने 5,000 रुपीज़ डाउरी की डिमांड की, दहेज मांगा 5,000 रुपीज़ का। और जब वो करने वाला था वो एग्री हुआ, वो डालने लगा, उसके फादर ने किसी तरह से वो सब किया और वो एग्री किया, एग्री हुआ दिसंबर। तो भोली ने यह सब देखते उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गई। उसने क्या कहा, उसने वो जो माला थी उसको उठा के, ये जो ये अग्नि होती है बेटा जो फेरे लेने के लिए होती है शादी के समय, उसमें डाल दिया और बोला कि मुझे ये शादी नहीं करनी है वो। और मैं, उसे क्या डिसाइड किया, मैं भी टीचर बनूंगी, जैसे मैं जिस स्कूल में, मैं भी टीचर बनूंगी जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, सब कुछ सीखा है, मैं भी वहाँ पर टीचर बनकर इस तरह से सब बच्चों को पढ़ाऊँगी और आपकी ओल्ड एज में आपको सर्व करूँगी। अपने पेरेंट्स को कहा कि आपकी सेवा करूँगी आपके बुढ़ापे में, मुझे शादी नहीं करनी है। और जबकि पहले वो इस शादी के लिए मान गई थी क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहती थी। तो देखिए ये इन शॉर्ट आपको थ्रू पिक्चर्स समराइज कर किया गया चैप्टर को। अब देखिए द अबव सीक्वेंस ऑफ पिक्चर्स समराइजेज द लेसन एंड आल्सो डिस्क्राइब्स होलीज जर्नी फ्रॉम अ डम काओ, डम क्या होता है, गूंगी, डम काओ टू अ कॉन्फिडेंट गर्ल, और एक कॉन्फिडेंट गर्ल में वो कैसे बदली। Now let's read the last scene of the, जो बहुत important scene है इस chapter का, most important scene है, और last scene of this chapter हमें वो, इसीलिए उसको book में से phrase दिया गया है very important, क्योंकि यहाँ पर ही पता चलता है जो change था भोली में, कैसे वो एक timid girl से एक confident, एक dumb cow से कैसे वो एक confident girl में उसका transformation हुआ। पिताजी said भोली in a clear and loud voice, and her father, mother, sister, brothers, relation and neighbors were startled to hear her speak without even slightest stammer. Pitaji, take back your money. I am not going to marry this man. जब उसके father वो 5,000 rupees लाए और उसे समझाया और वापस वो शादी करने के लिए जो सब रेडी हुआ, तो उसने कहा ये अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस पर्सन से शादी नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि वो एक मीन, एक ग्रीडी, एक लालची व्यक्ति था। और रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, को एकदम हैरान और एकदम से उनको शौक लगा। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर, उन्होंने आपस में बातें करना शुरू कर दिया, सो शेमलेस, कैसी लड़की है, सो अगली, सो शेमलेस, कैसी ऐसे बिल्कुल शर्म नहीं है, कैसी बदसूरत है, ये सब चीज़ें भोली के लिए कही जा रही थी।
भोली ने इवन एक स्लाइटेस्ट स्टैमरिंग भी नहीं की, जो वो हकलाती थी, अब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो बिल्कुल क्लियर वॉइस में बोली, भोली आर यू क्रेजी, तुम पागल हो, शाउटेड रामलाल। उसके फादर ने कहा यू वॉन्ट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार की बेइज्जती कराना चाहती हो, हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत। मतलब हम इस उस समय बेटा अपनी इज्जत माना जाता था कि इस तरह से कैसे वो लड़की की शादी हो रही है, वो रुक जाएगी। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, सेट भोली, उसने कहा सिर्फ आपकी इज्जत के लिए आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम, लेम जो ढंग से चल भी नहीं सकता, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं आपकी इज्जत के लिए, आपके रिस्पेक्ट के लिए ही इस बुढ़ेल और ऐसे व्यक्ति जो लंगड़ा है उससे शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं इस तरह के व्यक्ति को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती जो इतना लालची है, इतना मीन है, इतना हार्टलेस है, उसको कोई किसी की और इतना कायर है। मैं नहीं, वॉट अ शेमलेस गर्ल, सब लोग बोलते क्या कैसी लड़की है, उसको बिल्कुल कोई शर्म नहीं है, शेमलेस क्या है, शर्म नहीं है। वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम काओ, और सब क्या सोच रहे थे कि वो तो बहुत शांत और हार्मलेस, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, कुछ नहीं कहती, ऐसी गायें हैं, गायें, तो वो गूंगी गायें समझते थे उसको। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, यस आंटी यू आर राइट, वो एकदम से पीछे मुड़ी और उसने कहा आंटी आप बिल्कुल सही हैं, यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काओ, दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रिएचर। बिल्कुल आंटी आप सही कह रहे हैं, आप सोचते हैं कि मैं ये गूंगी गाय हूँ, इसलिए आप इस जिसके पास कोई दिल नहीं है, जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशनल नहीं है, उसके साथ तभी आप मेरे को उसके हवाले कर देना चाहते हो। बट नाउ द डम काओ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, लेकिन वो जो हकलाने वाले और जो गूंगी गायें थी आज वो बोल रही है, क्या आप सुनना चाहेंगे। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, धीरे धीरे वो जो अग्नि थी वो धीरे धीरे ठंडी हो गई, बुझ गई। Everyone was gone, सब चले गए। रामलाल turned to भोली and said, but what about you? No one will ever marry you now. लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, उसके फादर पूछते जब सब चले गए, सब खत्म हो गया, अब तुम्हारा क्या होगा, what shall we do with you? हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे, क्या करें तुम्हारे लिए। And Sulekha said in a voice that was calm and steady, don't you worry पिताजी। और सुलेखा ने फिर उसके बाद क्या कहा, सुलेखा का बेटा, भोली का नाम यहाँ पे सुलेखा यूज़ किया गया, और स्टार्टिंग में बताया गया कि भोली का नाम सुलेखा है, क्यों, क्योंकि उसने उस भोली, वो डम काओ की जो उसकी एक अपीयरेंस दी गई थी, पर्सनालिटी दी गई थी, आज उसने वापस अपने नेम को वापस अचीव किया है। उसने बड़े ही शांत स्वभाव में, बड़े आराम से, सब्र के साथ कहा, डोंट यू वरी पिताजी, पापा आप चिंता मत करो, पिताजी आप चिंता मत करो, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू, मैं आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करूँगी, मदर एंड आई विल टीच इन द से, मैं सेम स्कूल में पढ़ाऊँगी यू एंड मदर। उसने क्या कहा, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूँगी आपके बुढ़ापे में, आई विल टीच और मैं पढ़ाऊँगी इन द सेम स्कूल, उसी स्कूल में, वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ मैंने इतना कुछ सीखा, इजेंट दैट राइट मैम। और वहाँ पर उसकी टीचर थी तो उनसे कहती है, क्या मैम ये ठीक है, क्या ये सही नहीं है। द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, टीचर वहीं कॉर्नर में खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। येस भोली अफकोर्स शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और यही आपकी लास्ट वर्कशीट में भी आपको दी गई है, इसी फ्रेज को देख के आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं। तो एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फेक्शन, आज वो जो टीचर है लाइक एन आर्टिस्ट, जैसे एक आर्टिस्ट को ये लगता है ना कि उसने एक अपना मास्टरपीस बना लिया, तो वो डीप सेटिस्फेक्शन उनको फील हो रही थी कि आज वो अचीव कर पाई जो वो भोली के अंदर चेंज लाना चाहती थी। दैट एन आर्टिस्ट फील व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस, मास्टरपीस बेटा वो होता है जो एक आर्टिस्ट का एक ऐसी, वो बहुत सारे आर्ट्स बनाता है, बहुत सारे ड्राइंग्स बनाता है, पिक्चर्स बनाता है, लेकिन जो सबसे अच्छा, जो उसकी लाइफ का सबसे अच्छा, उसको एक वो अपना मास्टरपीस मानता है। तो आज उनको अपना भोली का वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक मास्टरपीस की तरह लग रहा था। अब देखिए, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट भिशंबर्स प्रपोजल, तो जो भोली के पेरेंट्स थे उन्होंने भिशंबर का प्रपोजल जो है वो क्यों एक्सेप्ट कर लिया था, क्यों मान गए थे वो उस बुढ़े उस ऐसे लालची इंसान से शादी करने के लिए, क्यों, क्योंकि
द रीजन्स फॉर एक्सेप्टिंग विशंबर्स मैरिज प्रपोजल वर, तो जो रीजन्स थे विशंबर के मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के, पहला था ही वॉज अ वेल टू डू बनिया, वो एक वेल टू डू बनिया था, ही हैड अ बिग ग्रॉसरी शॉप, उसकी बहुत बड़ी शॉप है, शॉप थी और बैंक बैलेंस बहुत सारा पैसा था उसके पास, ही लिव्ड इन अ नेबरिंग विलेज और वो पड़ोस के गांव में रहता था, डिडंट नो अबाउट द भोली's पोक मार्क्स और वो भोली के पोक मार्क्स के बारे में या फिर एंड लैक ऑफ सेंस कि उसको ज़्यादा समझ नहीं है इसके बारे में, कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने बिशंबर से उसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। बेटा सेम क्वेश्चंस ही आपके 20, 30, 40, 50 वर्ड्स के हैं, वही सेम क्वेश्चन आपके 100 to 120 यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, विद फ्रेज पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको कंबाइन करके भी आंसर करना सीखिए कि और जैसा कंटेक्स्ट जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया उस तरह से आंसर को स्टार्ट करिए और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स आपको बताए वो उसमें इंक्लूड करिए विद द समरी। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, व्हाई डिड बिशंबर्स मैरिज विद भोली नॉट टेक प्लेस, तो बिशंबर की जो शादी है वो भोली के साथ क्यों नहीं हुई उनकी शादी, तो देखिए पहले तो वो मान गई थी लेकिन एट द टाइम ऑफ पुटिंग गार्लैंड बिशंबर नोटिस्ड पोक मार्क्स ऑन भोलीज फेस, बेटा यहाँ पे ये कैपिटल आएगा, बी कैपिटल आएगा क्योंकि ये नाउन है, जब बिशंबर ने वरमाला डालते हुए भोली के फेस पे देख लिया तो वो जो पोक मार्क्स थे जो स्मॉल पॉक्स के बाद उसके फेस में मार्क आ गए थे, उसने ही रिफ्यूज टू मैरी हर अनलेस ही वॉज गिवन ₹5,000 एज डाउरी, उसने मना कर दिया शादी के लिए, और बेटा उसने मांगा कि मुझे जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ₹5,000 दहेज के रूप में नहीं मिलेंगे तब तक मैं इससे शादी नहीं करूँगा। रामलाल भोलीज फादर एग्रीड टू द कंडीशन बट भोली रिफ्यूज्ड, एग्रीड आएगा यहाँ पास्ट टेंस में, लेकिन भोली ने रिफ्यूज़ कर दिया टू मैरी सच अ ग्रीडी मीन एंड लेम ओल्ड मैन, सो द मैरिज कुड नॉट टेक प्लेस, इसलिए शादी नहीं हो पाई क्योंकि भोली ने उसे शादी करने से मना कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री है स्केच आउट द बिशंबर्स करेक्टर इन द स्टोरी, तो आपको करेक्टर स्केच पहले दिया गया था भोली का लास्ट वर्कशीट में, अब बिशंबर का जो है बिशंबर जो था जो उसका पार्टनर दिखाया गया है उसके लिए सूटर, तो उसका अब हमें करेक्टर स्केच बताना है, तो कितना ग्रीडी मीन हार्टलेस और लेम पर्सन है वही सभी हमें यहाँ डिस्कस करना है। तो देखिए बिशंबर अ माइनर करेक्टर, एक छोटा सा करेक्टर है जो लास्ट में आता है स्टोरी में और सारा ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाता है। हिज रोल इज़ दैट ऑफ अ सूटर ऑफ भोली, यानी कि जो शादी के लायक उसके सामने वो प्रपोजल, ही इज़ अ विडोअर, विडोअर मतलब बेटा जिसकी वाइफ नहीं है, अ वेल टू डू मैन विद अ बिग शॉप एंड हाउस ऑफ हिज ओन, वो एक अमीर इंसान अमीर व्यक्ति है, बहुत बड़ी शॉप है उसकी और उसका अपना घर है, ही हैज़ अ बिग बैंक बैलेंस ऑल्सो बट ही इज़ मिडल एज द सेम एज भोलीज फादर रामलाल, और लेकिन वो रामलाल जो उसके फादर है लगभग उसके फादर की एज का है। ही सेंड्स अ प्रपोजल टू मैरी और वो प्रपोजल भेजता है अपने रिश्ते के लिए भोली, नॉट नोइंग दैट वो भोली के लिए अपनी शादी का जब रिश्ता भेजता है तो उसे नहीं पता कि शी इज़ अगली लुकिंग, वो इतना सुंदर नहीं दिखती है एंड लैक सेंस, या उसको कोई परेशानी है, कुछ चीज़ें हैं जो लैक सेंस क्योंकि उसके ब्रेन में थोड़ा सा इफेक्ट था जब वो पालने से गिर गई थी छोटे होते। ही कम्स विद द लार्ज मैरिज पार्टी प्रोसेशन विद पॉम्प एंड शो, पूरे दिखावे के साथ वो अपनी पूरी बारात लेके आता है, बट ही इज शॉक्ड टू सी द पोक मार्क्स ऑन भोलीज फेस, और जब वो पोक मार्क्स देखता है तो वो एकदम से हैरान हो जाता है। ही रिफ्यूजेज टू मैरी हर अनलेस ही गेट्स ₹5,000 एज डाउरी मनी, और वो शादी करने से मना कर देता है कि जब तक उसको ₹5,000 दहेज के रूप में नहीं मिलेंगे वो शादी नहीं करेगा। भोली हाउएवर इज नो मोर अ डम ड्राइवन काओ, शी रिफ्यूजेज टू मैरी सच अ मीन ग्रीडी एंड लेम ओल्ड मैन, और फिर उसके बाद बेटा अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया वही सारा है ये, और फिर लास्ट आप करेंगे बिशंबर गॉट द ट्रीटमेंट ही डिजर्व, और जो वो डिजर्व करता है उस तरह का ही ट्रीटमेंट उसको मिला कि वो एक ग्रीडी मीन व्यक्ति था, वो बहुत लालची था और बहुत नीची सोच वाला व्यक्ति था। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर
इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस भोलीज मोरल वैल्यूज, हमें भोली की मोरल वैल्यूज को डिस्कस करना है कि उसने कहा कि आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं आपका और अपनी माँ का ध्यान रखूँगी, आपकी सेवा करूँगी आपके बुढ़ापे में। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि भोली के अंदर कैसी मॉरल नैतिक शिक्षा, जो आप नैतिक वैल्यू जो हमारी हैं वो कैसी हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। और नेक्स्ट है बेटा, द राइटर सेज द फ्लेम ऑफ द सेक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन, वो जो अग्नि है वो धीरे धीरे बुझ गई, एवरीवन वाज गॉन, सब चले गए, डिस्क्राइब द सीन इन योर ओन वर्ड्स, और फिर हमें वो सीन जो है वो अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की उसने कहा डोंट वरी पिताजी, और हमें इसमें मॉरल वैल्यूज़ जो बतानी है, तो भोली की मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं। भोली वॉज एन ओबीडियंट एंड वेल बिहेव डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, भोली जो है वो बहुत आज्ञाकारी वेल बिहेव अच्छे व्यवहार वाली एक बेटी है उन अपने माता पिता की। एट फर्स्ट वो मान जाती है कि शादी कर लूँगी कोई बात नहीं, वो एक अपने पिता के उम्र के व्यक्ति से भी शादी करने को तैयार हो जाती है सिर्फ अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट के लिए। शी एग्रीड टू मैरी अ लेम ओल्ड विडोअर विद ग्रोन अप चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ गारलैंडिंग, व्हेन बिशंबर सॉ पॉक मार्क्स ऑन भोली फेस ही रिफ्यूज्ड टू पुट गार्लैंड अंटिल ही रिसीव रुपीज 5,000 एज डाउरी मनी। भोली फादर पुट हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट बट ही स्टक टू हिज डिमांड, दिस रोज सेल्फ रिस्पेक्ट और बोली एंड शी रिफ्यूज टू मैरी सच अ ग्रीडी मीन एंड हार्टलेस लेम ओल्ड मैन, शी डिसाइडेड टू बिकम अ स्कूल टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो उसके अंदर अपने पेरेंट्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, वो बहुत ऑबिडेंट है, वो वेल बिहेव्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट के लिए, अपने पापा की जब वो डिसरिस्पेक्ट देख रही थी तो उसे सहा नहीं गया और उसने फाइनली मना कर दिया कि वो कभी शादी नहीं करेगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा कि वो जो फायर है वो एक्सटिंग्विश हो गई, वो बुझ गई और फिर लोग सब चले गए। अब इसको हमें अपने वर्ड्स में यानी कि समरी को यूज़ करते हुए हमने इसको इंसिडेंट्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। दो बिशंबर वॉज एन ओल्ड लेम विडोअर हैविंग ग्रोन अप चिल्ड्रन, येट भोली डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मैरी हिम बिकॉज शी नेवर वॉन्टेड टू ऐड टू द वरीज ऑफ हर पेरेंट्स एंड मेक देम अनहैप्पी बाय हर रिफ्यूजल। इसके बावजूद कि बिशंबर जो था एक बुज़ुर्ग ढंग से ना चलने वाला एक विदुर व्यक्ति था जिसके बड़े बड़े बच्चे थे, भोली ने तब भी मना नहीं किया उससे शादी करने के लिए क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि उसके पेरेंट्स को कोई भी उसकी वजह से परेशानी हो और वो उन्हें कभी नाखुश नहीं करना चाहती थी। बट देन बिशंबर यहाँ पे बेटा ये डिमांडेड रुपीज 5,000 एज कंपनसेशन फॉर मैरिंग अ पोक मार्क्ड गर्ल, जब बिशंबर को पता चला और उसने पोक मार्क देखकर ये कहा कि इससे शादी करने के लिए तो मुझे 5,000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। दिस मीन ग्रीडी एक्ट ऑफ बिशंबर, जब उसने ऐसा देखा उसके साथ रोज हर सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वो भोली की सेल्फ रिस्पेक्ट को रोज उसने जगा दिया, उसने अपने पापा की डिसरिस्पेक्ट को वो देख नहीं पाई। शी बोल्डली रिफ्यूज टू मैरी हिम, उसने क्लियरली कहा कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी, इस वजह से उनकी शादी नहीं हुई। शी डिसाइडेड दैट शी वुड बिकम अ टीचर एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और उसने डिसाइड किया कि वो टीचर बनेगी और अपने पेरेंट्स को सर्व करेगी उनके ओल्ड एज में। तो बेटा ये तो आपका था पार्ट टू। पार्ट वन में आपकी फर्स्ट वर्कशीट जो पहले 80 नंबर वर्कशीट है आपकी, वो उसमें सारे लगभग कवर किए गए हैं। ये स्पेशली लास्ट सीन पर बेस्ड आपकी जो वर्कशीट है वो है 81 नंबर वर्कशीट, आप अच्छी तरह से करिए और पिछली वर्कशीट को भी ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा और चैप्टर को एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। आप लोग स्कूल आ रहे हैं लेकिन टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards एज वेल एज वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर। बेटा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, हम सब की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब अवेयर रहें और बाकी सबको भी अवेयर रखें और बहुत ज़्यादा अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। समय समय पर अपने हाथों को धोने से बेटा आप अपने कभी भी आँख नाक इन पर हाथ ना लगाएं। कीप लर्निंग एंड enjoying, स्टे blessed एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव a नाइस डे एंड बी इन टच by सब्सक्राइबिंग एंड pressing बेल आइकन। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए आए इम्पॉर्टेंट,
तो अपलोड होते ही आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाए और समय पर आप अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।